गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आई, क्योंकि बहुत दिनों से आ रही थी हेयर केयर वाले वीडियो, फेस केयर वाले वीडियो, तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को व्लॉग शेयर करती हूँ। तो शाम के बज गए अभी, देखो 7:30, 7:30 वही। अभी मेरी बहुत थोड़ी गंदी हो रखी है, इग्नोर इट। मैं अभी अभी मार्केट जाके, तो देखो दही और ये छाछ, ये खारी और बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि समर में बहुत सब्जी अच्छी नहीं दिखती है, तो मेरे को अच्छी दिखी ना, तो मैं तो पूरी भर भर के सभी लेके आई हूँ। देखो ये पालक कितनी बढ़िया है, देखो ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसमें मिर्ची फंसी हुई है, और ये रवैया, ये फ्लावर, ये बड़े वाली मिर्च, फिर ये छोटी वाली मिर्च, इसमें भिंडी, ये धनिया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, ये कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, लेमन, टिंडी और ये चौली। इतनी सारी सब्जियां मैं लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रेश दिखी ना, तो मैंने सोचा आज तो ले ही लेते हैं, क्योंकि अभी समर में बहुत फ्रेश सब्जियां नहीं दिखती है, तो इसकी वजह से मैंने देखा, तो मैंने सोचा सब कुछ ले लेते हैं, फिर फ्रेश मिले ना मिले, आप लोगों का क्या बोलना है गाइस, इस बात पर आप लोगों का क्या बोलना है। और हाँ, आपके वहाँ ऐसी फ्रेश सब्जी अभी मिलती है कि नहीं, वो कमेंट करके बताना, ताकि पता चले। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो, वो भी कमेंट कर देना। मैं अहमदाबाद से हूँ, आप लोग कहाँ से हो मेरे को कमेंट करके बताना। तो चलो अब चलते हैं किचन में, अभी खाना बनाने का मैंने स्टार्ट कर दिया है, आधी रसोई मेरी हो गई है और अभी आधी बाकी है। मैं बना रही हूँ दाल ढोकली, तो इसके लिए क्या है, राइस रेडी है इसमें, और यहाँ पर मैंने दाल को भी बॉईल करके फिर सब मसाले करके उबालने के लिए रख दिए। इसके अंदर नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी ग्रीन चिली और आधा टोमेटो इतना डाला है, और थोड़ा सा अभी गुड़ डालने का बाकी है, और फिर अभी दाल ढोकली बना रही हूँ, तो इसकी ढोकली भी बाकी है। तो आप लोग इसके अंदर, इसके अलावा दूसरा कोई इंग्रेडिएंट्स डालते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तब ऐसा ट्राई करूंगी। अभी तो इसी बार इतना इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने उबालने के लिए रख दिए बॉईल करके, अभी सब कुछ मसाला करके, तो अभी मिलते हैं इसके अंदर ना डालने के बाद। और आपके घर में आज क्या बना है वो भी कॉमेंट करके मेरे को बताना। अभी देखो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर। इसके अलावा आप कुछ दूसरा डालते हो तो बताना, मैं तो इतना ही डालती हूँ। अब पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। अभी इतना थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ, इसके अंदर अभी गया है गुड़, वो गुड़ अभी डाला है थोड़ी सी उबाल आ जाने के बाद। अभी जब तक मैं इसके अंदर ढोकली डालूंगी और वो पकेंगे, तब तक हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से उबालना ज़रूरी है गाइज। यहाँ पे देखो मैंने फ्रेश फ्रेश धनिया भी पानी के अंदर डाल के रख दिया, इसको मैं लास्ट में डालूंगी, और गैस बंद करने के बाद इसके ऊपर डालूंगी आधा नींबू। और यहाँ पे देखो मैंने बड़ी बड़ी बेलने का भी स्टार्ट कर दिया है, इतना टेक्सचर आपको रखना है। मैं सभी एक साथ में बेल लूँगी, इसके बाद सभी को एक साथ में कट करके डालूँगी, ताकि सभी की सभी एक जैसी पके, क्योंकि आगे पीछे डालते हो तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पक गई है और थोड़ी सी बाकी रह गई है। मैंने यहाँ पे सारी बेल दी है और इतनी मैंने रखी है, इसकी मैं वो मसाले वाली भाखरी बनाऊंगी ढोकली के साथ खाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा गूंदा था। अभी सभी एक साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी मैं इसमें ना ढोकली डालने लगी हूँ, तो ढोकली डालने के बाद आपको दो दो मिनट, तीन तीन मिनट में बीच बीच में चलाते रहना है, वरना यहाँ नीचे तलिए पे चोट सकती है। और आपको ट्राई करना है कि आप ऐसे भारे तलिए वाला ही कुचलो, जिसकी वजह से इसके अंदर नीचे बैठ जाए ना आपकी ढोकली। ढोकली के साथ खाने वाली भाखरी भी बन गई है, मैं तो नहीं खाती हूँ, बस पारस के लिए बनाती हूँ दो तीन, तो उनको इच्छा हो तो वो खा लेंगे। अभी
अभी मैं सलाद कट कर लेती हूँ इसके साथ खाने के लिए। किन किन को ढोकली के साथ ऑनियन पसंद है? मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ढोकली के साथ ऑनियन खाना। ढोकली की भाखरी के साथ खाने के लिए बड़ी वाली मिर्च में फ्राई कर लेती हूँ। इसको ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अभी यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। दो तीन ही राई डालेंगे चेक करने के लिए कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, मिक्स कर लेंगे ताकि जले ना हमारा मसाला। फिर इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक और बिल्कुल हल्की सी शुगर। बस अब तैयार है हमारा मिर्ची। अब ढोकली के साथ खाने के लिए ककड़ी, टमाटर और ऑनियन मैंने कट कर लिए। ये सलाद मेरे को ढोकली के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट कर देना। फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए। और जाते जाते रास्ते में क्या देखा, तो यहाँ पे चल रहा था रियो फ्रंट में मेला। तो आप लोग जाके आए कि नहीं वो बता देना, मैं भी नहीं गई हूँ। तो चलो जाना है सब लोगों को साथ में। देखो कितना प्यारा मेला लग रहा है और साथ में एक तरफ है हमारा अटल ब्रिज। हे गाइस, कल है ना ब्लॉग का एंड करना रह गया था क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से आते आते बहुत लेट हो गया इसके लिए। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। आज का ब्लॉग में जो कर रही हूँ वो कंटिन्यू होगा। बाय बाय।